वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज आज के इस सेशन में हम बात करने वाले एम पी सेट के एग्ज़ाम के बारे में जो कि कॉमर्स सब्जेक्ट से है तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में जो कि 10 यूनिट्स में कवर होता है तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस के डिटेल्स के बारे में ये हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम से दिया हुआ है और यूनिट की बात करें तो ये इसमें टेन यूनिट्स हैं टेन यूनिट्स आप देख सकते हैं सिलेबस ये हमारे यहाँ जो भी आपको कवर कराया जाएगा वो कॉमर्स का यानी कि पेपर टू जो कि ऑप्शनल है और सिलेबस में देखिए क्या क्या चीज़ें दी हुई तो यूनिट वन बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट थ्री है बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट फोर बिजनेस फाइनेंस की है यूनिट फाइव है बिजनेस स्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स यूनिट सिक्स बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट सेवन है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यूनिट एट है मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट नाइन लीगल आस्पेक्ट ऑफ बिजनेस यूनिट टेन है इनकम टैक्स एंड कारपोरेट टैक्स प्लानिंग तो आइए देखिए ये यूनिट वन में क्या क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट में कि कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वामेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ये मोनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस लीगल इन्वायरमेंट जिसमें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी बताया गया है और फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एंड दियर इन्फ्लुएंस ऑन दियर बिजनेस कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सबिलिटी इसके बाद में जो हमारा uh, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफ के बारे में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट टाइप्स बैलेंस ऑफ पेमेंट है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इसमें कि यूरोपियन यूनियन एशियन सार्क नाप्टा जैसी चीज़ों के बारे में कंट्रीज़ के बारे में और ये एजेंसीज uh, के बारे में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एड ऑबजेक्टिवस डब्ल्यू एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स गैट्स ट्रिप्स एंड ट्रिम्स फिर यूनिट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का है तो अकाउंटिंग का बेसिक्स से लेकर के प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड पोस्टलेट्स में पार्टनरशिप और अकाउंटिंग फॉर किसू यानी कि कंपनी अकाउंट से रिलेटेड होल्डिंग कंपनी अकाउंट फिर कॉस्ट अकाउंटिंग भी इसी में इंक्लूडेड है जो कि आपके अकाउंटिंग में ही कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूडेड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटरी कंट्रोल प्रोसेस कॉस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ए बी सी एनालिसिस कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग फिर अकाउंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आई एफ आर एस के बारे में फिर ऑडिट के बारे में क्या इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट वाउचिंग वेरिफिकेशन, वैलुएसन ऑफ़ असेट्स नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स जिसमें कि आप इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स देखते हैं कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव्स, आप बिजनेस फॉर्म्स डिमांड एनालिसिस लॉ ऑफ डिमांड इलाटिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड एम कंज्यूमर बिहेवियर यूटिलिटी एनालिसिस इन डिफ्रेंस कर्ब एनानिसिस लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये सारी चीज़ें हैं नेक्स्ट हमारा बिजनेस फाइनेंस है तो बिजनेस फाइनेंस के अंदर जो भी स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लीज फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल बजटिंग डिसीजन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रिस्क एंड रिटर्न इसमें इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम फॉरन एक्सचेंज मार्केट एक्सचेंज रेट रिस्क एंड हैजिंग टेक्निक्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूरो करेंसी जी डी और इंटरनेशनल आर्बिट्रेज मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग नेक्स्ट है बिजनेस स्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स के बारे में ये यूनिट फाइव है और इसमें स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर हैं जो कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन स्क्यूनेस कोरिलेशन रिग्रेशन ऑफ टू वेरिएबल्स प्रोबिलिटी फिर डेटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन कॉन्सेप्ट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोबिलिटी एंड नॉन प्रोबिलिटी मेथड्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल लिमिट थ्योरम, स्टैंडर्ड एर स्टेटिस्टिकल एस्टिमेशन हाइपोथेसिस टेस्टिंग जे टेस्ट टी टेस्ट इनोवा ची स्क्वायर टेस्ट मैन वाइटने टेस्ट और ये सारी चीज़ें हैं बिजनेस मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसमें प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्पेन ऑफ कंट्रोल इसमें एच से रिलेटेड है और आपको कलेक्टिव बारगेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट पर्सनैलिटी जिसमें कि परसेप्सन एटीट्यूड्स इमोशंस ग्रूप डाइनमिक पावर एंड पॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट एंड नगोसिएशन स्ट्रेस मैनेजमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनस के बारे में ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम टाइप्स ऑफ बैंक इसमें कॉमर्शियल बैंक रीजनल रूरल बैंक फॉरन बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शन इसके रोल्स और मानीटरी पॉलिसीज क्या हैं फिर इसी तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में और इंश्योरेंस के बारे में जो कि आई एक्ट के थ्रू कवर होता है नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट है तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेज मार्केटिंग चैनल मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजिक में मार्केटिंग प्लानिंग मार्केट सीगमेंट टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग इसके बाद में लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में लॉ के चैप्टर्स हैं जिसमें कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन नगोसीएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ये सारे चैप्टर्स कवर किए गए हैं और कंपनीज एक्ट 2013 जो कि न्यू कंपनीज एक्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट द कंपटीशन एक्ट 2002 और आरटीआई एक्ट 2005 भी हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजंस इसके हैं इसके बाद में है हमारा यूनिट टेन यूनिट टेन में है इनकम टैक्स एंड कारपोरेट टैक्स प्लानिंग तो इनकम टैक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट रेजिडेंशियल स्टेटस जनरली जो भी फाइव हेड्स हैं उन सबको कवर किया गया है फिर इसमें कुछ इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में भी डबल टैक्सेशन एंड इट्स वाइडेंस मैकेजमेंट ट्रांसफ़र प्राइसिंग कारपोरेट कारपोरेट टैक्स प्लानिंग के बारे में भी है यहाँ पर टी और टी के भी एडवांस टैक्स को भी एक्सप्लेन किया गया है इसके बाद यही सिलेबस है जो कि पात्रता परीक्षा सेट 22 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर और ये ऑप्शनल पेपर टू है जो कि कॉमर्स का इसमें हिंदी मीडियम से सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ दिया हुआ है तो ये आप देख सकते हैं तो ये तो था सिलेबस के बारे में डिस्कशन हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर पर जा करके पंकज कॉमर्स क्लासेज ऐप और वहाँ से आप स्टोर के ऑप्शन पे जाएंगे तो स्टोर पे देखेंगे ये कोर्स एम पी पी एस सी सेट कॉमर्स का आपको नज़र आएगा इस कोर्स में हम आपको क्या क्या दे रहे हैं इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जी हाँ इस कोर्स में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स लाइव क्लासेज एम सी क्यू जो कि आपको एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं और इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है कि एक स्टूडेंट के लिए जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं तो वैसा रियल टाइम एग्ज़ाम जैसा ही टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ क्रिएट की गई है आपके लिए इन टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा ये हमने आपको ट्वेंटी क्वेश्चन फ्री टेस्ट के तौर पर आपको दिए गए हैं जो कि हमारे इस डिस्क्रिप्सन बॉक्स में एज ए लिंक प्रोवाइड है आप वहाँ जा के इन टेस्ट को दे सकते हैं और इसका एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं तो ये तो था था हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए थैंक्स थैंक्स फॉर वाचिंग। नाउ स्टूडेंट्स कैन एंजॉय ऑनलाइन मोड ऑफ दिस्टर्न लर्निंग विद ऑफिशियल एप ऑफ पंकज कॉमर्स क्लासेस अवेलेबल इन प्ले स्टोर